हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन एंड नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, 2024 का एग्जाम हो चुका है और जो डर था वो निकल भी चुका है अब कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन आपको बताई कि 2023 में क्या था, 2024 में, तो पूरे साल हम कर ही रहे हैं कि 2023 का पेपर मुश्किल था, क्या क्या चीज़ें थी, बट 2024 के पेपर ने ये बताया कि पेपर वो आसान नहीं था, लगने में था आसान, बट दैट वॉज अ लेंथी पेपर, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर था, जिसने ऑल ओवर पढ़ा था वही बच्चा उसमें अच्छा स्कोर कर पाएगा या इजिली क्वालिफाई कर पाएगा। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि हाँ पेपर आसान था, पेपर आसान था तो क्वालिफाई होना चाहिए था। अब जिसका नहीं हुआ उसको थोड़ा अपने आप में सोचने की ज़रूरत है, हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कैसे जुड़ेंगे, माध्यम क्या है, मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। चलिए, ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जल्दी यूपीएससी सीसेट के लिए, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारा, इसका नाम है टारगेट यूपीएससी सीसेट 2025 बैच। इसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इस बार इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले इस बार, ठीक है। चलिए, और ये हो गया एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स के साथ, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा, और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, जैसा 24 का एग्ज़ाम है उसी लेवल का हम करने वाले, बल्कि उससे भी अच्छे लेवल का, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस ग्रुप के, माफ़ कीजिएगा, इस बैच के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, और इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 951777, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड दीज आर अवर एड्रेस ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर, चंडीगढ़ का सेंटर रहेगा प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़, एंड मोहाली सेंटर का रहेगा प्लॉट नंबर C126 बिल्डिंग नंबर 2 फोर्थ फ्लोर फेस 8 इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली पंजाब, क्लियर। सो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो भी डिटेल है वो उस ग्रुप में ही आएंगे सबसे पहले, ठीक है जी। चलिए, सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट उतना ही आसान होगा ये, ठीक है। अ मैन बिफोर हिज डेथ राइट हिज विल, कि एक व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी। इन इट ही मैंशन दैट 3/4 ऑफ हिज विल टू बी गिवन टू हिज सन इन लॉ एंड डॉटर। अब देखो, जब मैंने परसेंटेज करवाया स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्या बताया था कि जो परसेंटेज से आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज जा रही हैं या भी रेशोज जा रही हैं, या रेशो से परसेंटेज जा रहे हो, वो आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, होपफुली अभी याद भी होगी होंगी काफ़ी कुछ, अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3/5, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है मेरे पास, यस प्लीज़ बोलिए, यस इट्स मीनिंग 60%, ठीक है। द रेशो ऑफ अमाउंट गिवन टू डॉटर एंड हिज सन इन लॉ मस्ट बी 4:1 रिस्पेक्टिवली। और जो इसने अपनी बेटी और दामाद को पैसा दिया वो 4:1 में दिया, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट दैट हिज डॉटर इज गेटिंग मस्ट बी डोनेटेड टू हिज फेवरेट एनजीओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, जब करेंगे मैं बताऊँगा कि जो उसकी बेटी को पैसा मिला है उसका हाफ एनजीओ को डोनेट करना है, हाफ के बराबर। अब ये देखना है कि वो बेटी के अमाउंट से पे करना है या जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है उससे पे करना है, ध्यान रखना थोड़ा। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही एंटाइटल्स विद वाइफ टू रिसीव एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज़ या 2 रुपीज़ 16,800 ही वॉन्ट्स टू बी बरीड अलॉन्ग हिज ग्रेव। चलो भैया, साथ जाएगा पैसा, है ना, लग तो रहे, देखिए क्वेश्चन को। अब देखो जरा, तो सबसे पहली बात, मैंने माना भी 100% मेरे पास पैसा था, इसका 3/5 यानी मैं अगर बात करूँ डॉटर प्लस सन इन लॉ, इनको कितने का मिलेगा इसका 60%। बट अगर मैं डॉटर और सन इन लॉ की बात करूँ, वो पैसा किस रेशो में, 4:1 में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4 × 5 यूनिट की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स मेरे पास 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 12 होगी, यस। तो 12 × 4 = 48, 12 × 12 ये होगा कि डॉटर को मिल रहा है 48, सन इन लॉ को मिल रहा है 12, ये क्लियर है। अच्छा, अब रिमेनिंग कितना, अच्छा इसके बाद भी कुछ बोला उसने, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अच्छा हाफ ऑफ द अमाउंट दैट हिज डॉटर इज गेटिंग मस्ट बी डोनेटेड टू हिज फेवरेट एनजीओ, मतलब हाफ के बराबर। उसने ये नहीं कहा कि बेटी के पैसे में से हाफ दे दो, हाफ के बराबर, इसका हाफ कितना होगा 24, यानी 24 कहाँ गया मेरे पास, क्या ये एनजीओ के पास गया। अब कितना बचा देखो, 60, 70, 80, 84 बचा, ये बचा 84 हो गया,
16% मेरे पास बचा। अब इसमें से भी कुछ अमाउंट उसने अपनी वाइफ के लिए रखा, बहुत अच्छी बात है भाई। 1/4 रखा वाइफ के लिए, यानी ये कितना हो, 4 हुआ, 4 × 16 एंड रिमेनिंग कितना मेरे पास, 12%। वो कह रहा भैया साथ में लेके जाऊंगा 12%, तो मैं 16,800 12% की वैल्यू कितनी मेरे पास, 16,800। तो ये बच्चों ने क्या गलती की थी मैं बताता हूँ। बेसिकली उन्होंने इसी में से आधा निकाल के एनजीओ को देते तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, डाउट ही था किसी स्टूडेंट का मेरे पास। तो 12% की वैल्यू थी, 12×12 = 48। तो 1% की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स, 1400। मुझे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट अमाउंट ही डोनेटेड टू एनजीओ मेंशन इन द क्वेश्चन, सो आंसर इज कितना, 24%। तो 24 × 1400, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 24,000 से मल्टीप्लाई करो 24,000, 24 × 4 इज 9600, 00633300। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, क्लियर। तो देख सकते हो दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर कैलकुलेशन आपकी गलत ना होना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा जल्दी हो जाना, क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, फर्दर कोई डिटेल चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9517716 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमारे पास, ठीक है। तो बने रहिए और प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट इज एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन वेसल ए इन द रेशो 5:2 एंड वेसल बी इन 8:5, इन वट प्रपोर्शन शुड क्वान्टिटीज बी टेकन आउट फ्रॉम द टू वेसल्स सो एज टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच एसिड एंड वाटर विल बी इन द रेशो 9:4। किया ऐसा क्वेश्चन पहले, अगर किया है तो मुझे करके दिखाओ, 10 सेकेंड आपके पास है, ट्राई कीजिए। अगर पहले आपने ऐसा क्वेश्चन किया है तो करिए, नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। चलिए जिन्होंने किया वो ट्राई कर सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, एसिड एंड वाटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है बेसिकली, और मिक्सचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आपका रेस्टोरेंट प्रपोर्शन। चलिए अगर हम वेसल एक ही बात करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5:2। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेसल बी तो कितना आएगा, 8:5। वो कह रहा है अल्टीमेटली इसको मिला दो तो मुझे कितना चाहिए, 9:4। देखो मैं एसिड को आगे लेता हूँ, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट, ये कितना हो गया, 13 यूनिट, और ये भी कितना, 13 यूनिट, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप एसिड को पहले परफॉर्म करके देख रहे हैं तो कितना आएगा, पहले में एसिड कितना है, 5/7 है, क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे क्या, 8/13 है, और फाइनल की बात करेंगे 9/13 है, ठीक है, ये चीज होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, 13 और 7 का लीजिए एलसीएम, 13 7 एलसीएम लो, इसको करो 91 से मल्टीप्लाई, इसको भी 91 से करो और इसको भी 91 से करो, तो 7 13 13 5 कितना हो गया, 65, 13 7 8 × 7 कितना हो गया, 56 हो गया, 13 7 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया, यस। तो चुपचाप ये लगाना, क्योंकि अगर आप दूसरे कन्वेंशनल या आप बेसिक मेथड से चलोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस सबसे अच्छा तरीका क्या, एलिगेशन, इसको एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो जस्ट माइनस कीजिए, और एलिगेशन में जब वो क्रॉस में माइनस करेंगे तो 63 - 56, और ये कितना होगा, 63 - 65, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, 7:2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्लियर। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, नोट कीजिए फटाफट इसको। सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला मेरे पास, ठीक है। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलो, राहुल गिव्स अ क्रिस्टल डायमंड रिंग टू हिज वाइफ विजेता
on their wedding anniversary. However, the ring falls off Vijeta's hand and break into three pieces, the weights of which are in the ratio 2:3:4. देखो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में करवाया हो, रेशियो प्रोपोर्शन में रिपीट भी हो रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना से उसका रिविजन की तरह ही लेना, ज़्यादा हिम्मत करना कि वहाँ भी करा दें यहाँ क्यों करा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों के टॉपिक में हो सकते हैं. ठीक है, 2:3:4, द वैल्यूज ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ देयर वेट. द गिवन वैल्यू ऑफ द डायमंड इन द रिंग वॉज 24,300 रुपीज, फाइंड द लॉस ड्यू टू ब्रेकेज. ट्राई कीजिए ड्यू टू ब्रेकेज, ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप, इजी है. देखिए राहुल ने क्या किया, एक रिंग अपनी वाइफ को गिफ्ट की, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ से वो रिंग गिर गई. अब जो एक्चुअल वेट था उसका वो तो था ही था, अब वो जो डायमंड था ना वो तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया. फाइनल रेशियो ऑफ डायमंड पीसेस, मैं कहूंगा पहला पीस 2 में था, दूसरा 3 में था और तीसरा 4 में, ऐसे 2, 3, 4 ही दिए हुए. ठीक है, मैं मानता हूं कि 9 kg का डायमंड था, 9 kg मान लो, कुछ ही मान 9 यूनिट का मान लो. ठीक है, इसका मतलब टोटल जो मेरे पास, सॉरी जो मेरे पास टोटल मेरे पास वो 9 यूनिट रहा होगा. इसका मतलब ये टोटल मेरे पास पहले 9 यूनिट का रहा होगा, टूट के वो 2, 3 और 4 में कन्वर्ट हुआ होगा स्टूडेंट्स. बिल्कुल, अब वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ देयर वेट, कि जो उसका अमाउंट है ना, जो पैसा है उसका, वो डायरेक्टली वेट से. अगर मैं कहूँ ये भाई 2 था तो अमाउंट किस रेशो में मिलेगा मेरे को, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर मैं लिख भी देता हूँ, और ये क्या हुआ 9 का स्केयर कितना आ गया 81. इसका मतलब क्या कि जो पहले वाला जो मेरे पास डायमंड का पीस था वो अगर 4 का था तो दूसरा कितने का था 9 यूनिट का, और तीसरा कितने का था 16 का. बट अल्टीमेटली जो ओरिजिनल डायमंड का पीस था, बड़े वाला जो ओरिजिनली दिया गया था, उसकी कीमत कितनी रही होगी भाई 81. तो इन तीनों का अमाउंट कितना बैठा मेरे पास 16, 9, 25 और 4, 29. मेरे को जो अब मिल रहा है पैसा उसको बेचने पे 29 है, बट मैंने खरीदा कितने का था 81 का. तो इनका डिफरेंस बेसिकली मेरे पास क्या है, जो मेरे पास क्या होगा लॉस, तो लॉस कितना आ गया 81 माइनस ऑफ 29 दैट इज इक्वल टू 52 यूनिट्स, और इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 2,4,3,00 कुछ ऐसा ही है. चेक कीजिए और बताइए मुझे आंसर कितना है. अगर ऐसे ही है तो मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, इसको बस आपने कैलकुलेट करना, और आंसर आपका आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है, आपने देखना अब क्या आंसर है इसका. चलिए करिए फटाफट, ठीक है. अच्छा सॉरी, ये डायमंड रिंग की है ये ना, इसकी वैल्यू नहीं है, ये मेरे पास डायमंड रिंग की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो मुझे निकालना है. मेरे पास लॉस आ गया 52 का, ये आ गया 50, मुझे 52 की तो वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स. मतलब 81 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2,4,3,00 कितने गुना 300 times, तो इसको भी 300 times करता हूँ, कितना आ गया 156,00. ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी. तो 15,600 का नुकसान हुआ बेसिकली, ठीक है. तो वो तो मुझे निकालना था, वो उसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 52 की वैल्यू मुझे निकालनी और 81 की वैल्यू मुझे दी हुई है. क्लियर, नोट करें फटाफट इसको, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट इज एजेस का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था एजेस और पार्टनरशिप दोनों रेशन प्रोपोर्शन के पार्ट हैं, बट एजेस को भी मैं अलग से करवाऊंगा, बट अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं तो मैं ले आया हूँ, ठीक है. क्या दिया, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 6x माइनस 15,
प्रेजेंट एवरेज एज, बेसिकली इट्स एन एवरेज एज, एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 4x प्लस ऑफ 6 ईयर्स इफ इफ प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए. मतलब इसमें आपके परसेंटेज का यूज भी है, आपके एवरेज का कॉन्सेप्ट भी है और आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है. तो एक क्वेश्चन में तीन तीन कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. मतलब ए प्लस बी एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय टू, सो मच 6x माइनस 15. सो ए प्लस बी क्या हुआ मेरे पास, टू टाइम्स ऑफ 6x माइनस 15. ये मेरी पहली जो लाइन है उससे इक्वेशन आ गई. ठीक है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 यानी ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच, 3 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6. सो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12x प्लस 18 आ गई, 12x प्लस 18 आ गई. ये बताओ कोई दिक्कत नहीं इसमें. अच्छा अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू दी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 12x माइनस ऑफ 30 प्लस सी इज इक्वल टू 12x प्लस ऑफ 18. तो 12x से 12x कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी 18 प्लस 3 यानी कितना 48 ईयर आ गई सी की वैल्यू. अब मेरे को कुछ नहीं करना, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. जल्दी से नोट कर ले इसको. चलिए अब मुझे ए बी सी का ना रेशो दिया है, रेशो निकालना है. इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, बी रेशो सी. अब 25% का मतलब 1/4 होता है. एज ऑफ बी इज 25% लेस, तो एज 4 हुआ 3 हुआ, इक्वेशन नंबर 1 होगी. एंड 20% मोर देन ए, तो बी की बात कर रहे हैं ए से. 20 का मतलब 1/5, ये 5 थी. 20% मोर देन ऑफ ए, ये 5 था, तो ये हो गया 6. क्लियर है, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं ताकि यहीं पे मेरे पास सारी सारी आ पाए. 5:6, तो ये गया 6, ये गया 3. सो अगर मैं बात करूँ ए, वो आ गया 15 यूनिट, बी आ गया मेरा 18 यूनिट और सी मेरा कितना आ गया 24 यूनिट. ये मेरे पास रेशोज आ गए. क्लियर है, नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए. तो स्टूडेंट्स अगर सी की वैल्यू 24 ना होकर 48 है, कितने गुना, 2 गुना, तो ए भी कितना होगा, 2 गुना. आंसर इज 30 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था. अब ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर डरना नहीं है. ठीक है, करिए इसको जरा. तो होपफुली आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अगर नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए. नए बैच के सारे डिटेल्स जो कुछ भी होना है वो उसी आपके पास आना है, उसी ग्रुप में आएगा. ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 एंड 12,000. ए की बात करें और बी की बात करते हैं. 16,000 एंड 12,000. ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ रुपीज 5,000, यानी 3 महीने तक ए ने 16,000 रुपये लगाए होंगे. और इसके बाद अगले 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि अगला भी कुछ बता नहीं रखा, चलो देख लेते हैं इसको एक बार. ठीक है, एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 5,000 मोर. यानी अगर मैं बात करूँ 3 इंटू बी की बात करते हैं, 12,000 प्लस आफ्टर थ्री मोर मंथ्स, मतलब इसके 3 महीने के बाद. ठीक है, सी ज्वाइन द बिजनेस विद द कैपिटल रुपीज 21,000. सो 21,000 लगाए हैं 6 महीने के लिए. चलिए इसका मतलब 9 इंटू ऑफ कितना, अगर 1,000 निकाल लिए थे तो 11,000 आ गए, सॉरी 5,000, अगर 5,000 लगाए थे तो 9 इंटू ऑफ 17,000 आ गए होंगे. क्लियर, कोई डाउट नहीं. अच्छा अब मुझे क्या बोला जा रहा है,
देखो अगर कुछ चीज़ रिडक्शन फॉर्म में तो उसको कर दो, देखो एक दो तीन, यहाँ से कॉमन निकालिए हज़ार, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 16 गुना तीन कितना हुआ, अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी निकालूँ या ए रेशो बी रेशो सी अगर मैं निकालूँ, 16 थी 48, 48 प्लस यहाँ कितना है 99, तो ये कितना हो गया, ए की बात करें तो 147 आ गया, अगर मैं बी की बात करूँ स्टूडेंट सी 36 प्लस 17 इंटू 9 इज हाउ मच 153, तो ये कितना हो गया 189 हो गया मेरे पास। अच्छा स्टूडेंट्स अगर मैं सी की बात करता हूँ सी कितना है मेरे पास 126, तो ये कितना गया 126। नाउ फटाफट इसको रिड्यूस करना है मुझे मिनिमम फॉर्म में, ताकि जो मुझे डिजायर डाटा दिया उसको मैं कलेक्ट कर सकूँ और कर सकूँ। तो इसको जरा काटिए, जरा देखो पहले 3 से जा रहा, 7 1 8 4 12 9 10 8 18 6 2 8 1 9, जो 3 से जा रहा पहले 3 चौके 12 3 में 27 49 3 6 18 और 3 3 9 3 चौके 12 42, तो 7 7 9 6, तो 7 9 6 मेरे पास फाइनल क्या आ गई रेशो आ गई, चलिए 7 9 6 विल बी माई फाइनल रेशो। चलिए स्टूडेंट अब देखो जरा 7 9 6 है, तो मुझे क्या बोल रहे हैं, द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी, मतलब मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 9 7 16 6 22 टोटल 22 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी है टोटल प्रॉफिट ऑफ 26,400, तो इसको अगर आप काटेंगे 22 से कम 22 4 1200 टाइम्स, तो 1200 टू 3 कितना हो गया 3600, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक जीरो ज़्यादा हर जगह, ठीक है इसको ठीक कीजिए और ऑप्शन नंबर सी लगाइए बिल्कुल सही, क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा और नंबर आपको बताइए, ठीक है मैं फिर बता देता हूँ नंबर आपको। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास का, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नंबर इज 9517716 51, क्लियर। अ मैन हैज 25 पैसा कॉइन 50 पैसा कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, ये क्वेश्चन हमने किया था बट वो किसी और फॉर्म में था, उसमें कुछ और पूछा था इसमें कुछ और पूछा है, ठीक है। देर आर 220 कॉइन्स इन ऑल, टोटल अमाउंट इज 160 रुपीज, 220 कॉइन्स है और 160 मेरे पास रुपीज है। इफ देर आर थ्राइस एज मैनी एज 1 रुपी कॉइन एज देर आर 25 पैसा कॉइन, यानी 25 पैसा कॉइन है और जो 1 रुपी कॉइन है इसका मुझे कुछ रेशो दिया है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। देखो ये अगर एक्स है तो ये मेरे पास 3x हुआ, टोटल कॉइन्स कितने हैं कि अगर मान लो 25 पैसा कॉइन प्लस 50 पैसा कॉइन प्लस 1 रुपी कॉइन टोटल कितना 220 है। क्वेश्चन समझना है कैसे है पहले तो ये समझो, करना तो बाद की बात है। अगर ये मेरे पास एक्स है ये मेरे पास 50 पैसा कॉइन है, मुझे पता नहीं कितने हो रहे 3x है, टोटल कितना 220 है, तो जो आपके 50 पैसा कॉइन है वो कितने आ गए 220 माइनस 4x आ गया, क्या 220 माइनस 4x आ गया, यस दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब अब मेरे पास देखो अगर मैं बात करता हूँ 50 पैसे की, ये कितना आ गया 220 माइनस 4x। अब मेरे पास क्या है, ये जो x 3x और 220 माइनस 4x है ये मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास क्वांटिटी है। अगर मैं सबको रुपीज, मैंने उस क्वेश्चन में भी रुपीज में किया था कन्वर्ट और इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स में रुपीज में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कैसे कि अगर एक रुपए के 3x कॉइन है तो टोटल x टोटल 3x रुपीज हो गया, ये कितने हो गए x बाय 4 रुपीज, और ये कितने हो गए 220 माइनस 4x 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपीज, यानी इतने 2/2 कर दो, इन तीनों को मिला के कितना पैसा चाहिए मुझे 160 रुपीज। सो 220 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x बाय 4 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 160। ये मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना और मेरा आंसर आ गया, फटाफट करिए इसको ज़रा।
एलसीएम लेने से पहले सोच लो कुछ रिडक्शन हो रही है, यस हो रही है। ये कितना आ गया, 110 माइनस और 2x प्लस 3x प्लस x बाय 4 बराबर कितना, 160। ठीक है, देखो ये कितना आ गया, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो 440 माइनस ऑफ 8x प्लस 12x प्लस x बटे 4 इज इक्वल टू 160। अगर बिल्कुल गलती नहीं है तो ये कितना आ गया, 440 माइनस 8x प्लस 12x प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 440 प्लस 5x इज इक्वल टू 640। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चंस में, 5x इज इक्वल टू 640 माइनस ऑफ 440 दैट इज 200, x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 40। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 40। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, 50 पैसा कहाँ है जी मेरे पास, 220 माइनस 4x यानी 220 माइनस ऑफ 4 इंटू 40, सो 220 माइनस ऑफ 160 60, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छोड़ना मत भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमने घुमा देंगे हम क्वेश्चन। क्लियर, चलिए, और नंबर बता रहा हूँ मैं बार बार आपको इसीलिए ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो सी सेट की वजह से रहे, समझ आ गई बात, जो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग या इंग्लिश कोई भी एक पोर्शन की वजह से आईएएस बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। बस अभिमन्यु आईएएस का वादा है आपसे, पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ, बाकी आपके एफर्ट्स हैं, आप कितने एफर्ट्स कर पाते हैं, करवाएंगे आपसे एफर्ट, चिंता मत करो, आप आओगे ना अपने आप मेहनत ही बन जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत आप ऑलरेडी हो, बट वो मेहनत सही डायरेक्शन में कैसे जाएगी वो हम आपको बताएंगे, समझा कि बात, उस मेहनत को सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए, मेहनत ही आप सारे ही हो बट उसको डायरेक्शन हम देंगे, आप आइए हमारे साथ फिर पता चलेगा क्यों नंबर वन है। क्लियर, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये भी ब्रश मिक्सचर से, आपको होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन के साथ में, ये क्वेश्चन आज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप करके दिखाइए मुझे। चलिए, वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4:5 एंड 5:1 रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर्स बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर इज इन द रेशियो 5:4। अब ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, जल्दी से देखो, कुछ मिल्क है, वेसल ए में क्या मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, वो किसमें 4:5 में, बी में किसमें 5:1 में, यानी अगर मैं मिल्क को टारगेट करता हूँ, ये 9 हो गया और ये कितना होगा 6 हो गया, सो 4:9 आएगा और ये कितना आएगा 5:6 आएगा। अच्छा, अल्टीमेटली क्या चाहिए मुझे, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स वी वांट 5:4, पहले ये देख लो, ये मिल्क टू वाटर है और ऊपर भी मिल्क टू वाटर दिया, यस ये आपने ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना है, अगर ये उल्टा सीधा हुआ तो दिक्कत होगी, क्लियर है, तो ये कितना हो गया भाई, और ये कितना रह गया 9 है, तो 5/9, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 18, ले लो कोई ऐसा नंबर 18 एंड 18, 9 × 2 = 18, तो 8 आ गया, 6 × 3 = 18, तो 15 आ गया, 9 × 2 = 18, तो 10 आ गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5:2। और आपको होमवर्क है, मैंने इसको मिल्क से ट्राई किया, आपने वाटर से ट्राई करना है इसे, ठीक है, आपको इसे वाटर से ट्राई करना है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 5:2। तो प्लीज़ डू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, जल्दी सी सेट की सारी की सारी जो आपको डिटेल है वो पता चल जाएगी। क्लियर, चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, न्यू बैच के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, टारगेट यूपीएससी सी सेट 2025 है हमारा, जिसमें हम एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर कर रहे हैं, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास 9517717165, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर स्टूडेंट आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चंडीगढ़ सेंटर का एड्रेस है, प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब के श्री बिल्डिंग सेक्टर 25 मोहाली सेंटर का एड्रेस है, प्लॉट नंबर C126 बिल्डिंग नंबर 2 4th फ्लोर फेसेट इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। क्लियर, तो फ्रेश बैच कमिंग सून, तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू स्टूडेंट्स।